अब बताओ बच्चा कहाँ तक पढ़ रहे थे हम लोग कल? ये सर हमारा हो रहा क्वेश्चन रोटेशनल टॉर्क, अनइक्विलिब्रियम में क्वेश्चन हुआ। हाँ टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा वाले क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, है ना? यस सर। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा वाले क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, है ना? चल बच्चा आगे बढ़े उसी में। तो देख बेटा, बॉडी हमारा जब रोटेट करेगा, है ना, तो हो सकता है बेटा बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा हो वो फिक्स हो, है ना बेटा? और ये भी हो सकता है कि वो एक्सिस फिक्स ना हो, है ना बच्चा? यस तो देख, तो अगर हम जनरल बात करें एक फिक्स्ड एक्सिस रोटेशनल की, है ना, ठीक है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन की, है ना, इसका मतलब जो बॉडी होगा बेटा जिस एक्सिस के अबाउट घूमेगा वो एक्सिस हमेशा फिक्स रहेगा, है ना? तो देख बेटा इमेजिन कर कि मान ले कोई बॉडी है बेटा और वो किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट घूम रहा है ना, इसी के अबाउट बॉडी घूम रहा है ना बेटा? तो देखो अगर इसके अबाउट घूम रहा होगा तो अगर तुम किसी भी पॉइंट की बात करोगे बेटा तो ये पॉइंट जो हमारा होगा ये पॉइंट सर्कुलर मोशन में जाएगा ना, बोलो बोलो ओके जाएगा ना बेटा। मान ले इसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है ना बेटा? तो देखो बेटा इसका हर पॉइंट जो होगा वो एक सर्कुलर मोशन में जा रहा होगा, उस सर्कुलर मोशन का रेडियस वही होगा जो इसके एक्सिस से डिस्टेंस है, बोल बेटा, है ना? बात समझते हैं तो बेटा हम लोग इतना, ठीक है? यस सर। तो देख बेटा इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी कहीं ना कहीं होगा, है ना बेटा? तो मान लिया बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये है बेटा, है ना? तो देख, तो अगर इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है तो ये हमारी दूरी हो गई बेटा RCM, बोलो, है ना? यस सर। ये यस सेंटर सर। ऑफ मास अभी इस सर्कुलर मोशन में जा रहा होगा, बोलो, है ना बेटा? यस सर। जा रहा होगा ना, है कि नहीं? तो बता बेटा सर्कुलर मोशन है मूव करते हुए पॉइंट में कौन कौन सा होता है एक्सेलरेशन, एंगुलर बोलो बोलो। एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल सेंट्रिपिटल और एंड टेंजेंशियल। एक तो होता है टेंजेंशियल ना बेटा, यस सर। कितना ये तो कहेंगे आर सी एम अल्फा, यस है ना सर। बेटा? और एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन यस ओमेगा स्क्वायर RCM, बोलो बेटा, सर। है कि यस नहीं? है ना बच्चा? तो क्या करना है, हमेशा यही बोलना बेटा कि रिजल्टेंट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू RCM, बोलो बेटा, बोलेंगे ना? यस सर। रिजल्टेंट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन, है ना यस बेटा? उसी तरह से रिजल्टेंट फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होना चाहिए, बोलो? मास सर। इनटू RCM इनटू अल्फा, बोलो यस बेटा, सर। यस समझे ना बेटा? बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा इसमें, नो सर। ठीक है ना? अच्छा अब क्या यस सर। कहोगे, और इसमें अगर एंगुलर एक्सीलरेशन है बेटा तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी होगा, यस और सर। इस बार मुझे एक्सिस बताने की जरूरत नहीं क्योंकि जो इसका फिक्स्ड एक्सिस है बेटा उसी के अबाउट काम करना है, बोलो बेटा, बात समझा ना? ठीक है, ये हमारे तीन इक्वेशन बनेंगे बेटा हर बार, बोलो, है ना? जिसको मैंने यस रेडियल और टेंजेंशियल कहा है ना बेटा, तुम इसको एक्स और वाई भी कह सकते हो, बात सर। समझे ना बेटा? तुम चाहो तो हर चीज को एक्स वाई में तोड़ दो, एक्सीलरेशन को भी, फोर्स को भी, है ना? और यहाँ कौन कौन से फोर्स आएंगे जानते हो तुम लोग? दो तो हिंज के आते हैं फोर्स, FX FY, है यस सर। ना बेटा? अगर ग्रेविटेशनल होगा तो ग्रेविटेशन भी लगेगा, है ना बच्चा? यस ठीक, सर। और नोट करने वाली पॉइंट क्या इसमें हुई बेटा, तो कहेंगे ऑल पॉइंट्स ऑन द बॉडी, है ना, बॉडी के सारे पॉइंट, है ना बेटा, रोटेट इन सर्कुलर पाथ, है ना बेटा? सर देख नहीं रहा। सारे पॉइंट जो होंगे वो कैसे पाथ में जा रहे होंगे, बोलो? सर्कुलर पाथ में जा रहे होंगे, है ना? ठीक है, विथ सेम एंगुलर स्पीड, विथ सेम एंगुलर स्पीड, है ना बच्चा, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना बेटा? सारे पॉइंट्स के सर्किल तो अलग अलग होंगे ना बेटा, बताओ? यस सर। जितने सारे पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट्स के बताओ सर्किल अलग अलग होंगे ना बच्चा, यस सर। बोलना बेटा, आगे। होगा ना? यस सर। रेडियस यस अलग अलग हो जाएगा, सर। बोलो। यस सर। लेकिन चाहे पॉइंट्स कहीं भी हो बेटा,
हर पॉइंट सर्किल जो है एक साथ पूरा करेगा ना, बोलो। यस सर। इसका मतलब ओमेगा सबका सेम हो गया बोलो। यस सर। सर्किल अगर सब एक साथ पूरा करेगा तो ओमेगा अल्फा सबका सेम है ना, लेकिन चूंकि रेडियस सबका डिफरेंट है बेटा, रेडियस सबका डिफरेंट है ना, बोलो। यस सर। इसलिए क्या होगा, स्पीड अलग होगा सबका, एक्सीलरेशन भी सबका अलग होगा, लेकिन लेकिन सबका एंगुलर पैरामीटर सेम होगा। बस समझ गए? यस सर। लिख लो बच्चा। सर इस डायग्राम में सर जो सेंटर ऑफ मास है वो यही पॉइंट है जहाँ से RCM अल्फा और RCM। हाँ हाँ, जहाँ से मैंने RCM लिखा है। अच्छा, वही सेंटर ऑफ मास है। Resultant is tangent. Erase कर दो बेटा। No sir. एक मिनट। नहीं सर। लिखो। ये सब मोशन बेटा किसके लिए है, इक्वेशन ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए है ना बच्चा, ये सब। यस सर। है ना। और ये हमारे रोटेशनल मोशन के लिए हो गया है ना, इक्वेशन थर्ड। अब हमें रोटेशनल ट्रांसलेशनल दोनों की बात करनी है ना बच्चा। देखो तो बच्चा, सवाल एक आता है कि मान लिया एक रॉड, इस रॉड का एक पॉइंट हिंज किया हुआ है बेटा, ये पॉइंट है ना, रॉड का मास m है, लेंथ l है ना बेटा, और ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब सारे फॉर्मूले हमारे अप्लीकेबल हैं बच्चा इसमें, है ना। अभी इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है बेटा ये ऐसा है, अभी के समय इसका ओमेगा दिया हुआ है हमको जी बाई एल, ठीक है बेटा, है ना, क्या हो गया ये जी बाई एल, है ना। तो सवाल कहता है कि एट द गिवन इंस्टेंट When, जिस समय है ना बेटा, रॉड इज होरिजोंटल, जिस समय हमारा रॉड होरिजोंटल है बच्चा, है ना, कहता है फर्स्ट पार्ट ड्रॉ FBD एंड फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा, बी ड्रॉ करो और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ। बी पार्ट कहता है बेटा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा। सी पार्ट फाइंड हिंज फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चा, चलो बनाओ। सर ओमेगा जी एल है या फिर जी बाई एल? जी बाई एल है। ओके सर। ओमेगा तो बच्चा जी बाई एल ही ना होगा रे, वेलोसिटी होता ना, बोलते रूट जी एल।
तो ओमेगा है बेटा। सर एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा 3g/2l। अच्छा ठीक, बी बना रहे हैं सर। आते जाओ सर। एंगुलर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आ रहे हैं सर। एंगुलर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आ रहे हैं सर। अच्छा एंगुलर एक्सेलरेशन तो एक ही नहीं आएगा, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आएंगे है ना। तो x मान लो हॉरिजॉन्टल, y मान लो वर्टिकल, i कैप j कैप में आंसर दे दो। अच्छा यस सर, आ गया सर, मेरा आ गया सर, i कैप j कैप में। गुड, आगे बढ़ो। और सी नंबर हो गया सर। तो वो ट्राई कर लिया बच्चा? एक मिनट सर, थोड़ा सा लास्ट पार्ट करो। हो गया सर। चलो मैं बनाता हूँ मैच, करना बच्चा। यस सर, हो गया। देखो बेटा स्केप बीडी में क्या क्या आएंगे फोर्सेस बताओ। सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल आएगा बेटा, यस है ना। हिंज का फोर्स, चलो ऐसे मैंने मान लिया एफ एक्स और ऐसे मैंने मान लिया एफ वाई, ठीक है। ऐसे ही माने हो तुम लोग भी? यस सर। यस सर। यस। अब चलो टॉर्क की बात की है। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है बताओ? एंगुलर एक्सेलरेशन ना बच्चा? यस सर। और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए ना बेटा? सर एफ एक्स अंदर क्यों नहीं लिए? कोई दिक्कत नहीं, लो अंदर मान लेते हैं। ये तो अननोन है बेटा, है कैसे ही मान सकते हैं, ठीक है। यस। अब देखो बेटा टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या लिखेंगे बोलो?
आई अबाउट एक्सिस इनटू अल्फा, टॉर्क क्या हो गया बेटा बोलो, एम जी इंटू एल बाई टू बोलो, है ना, एफ एक्स एफ वाई का टॉर्क जीरो हो जाएगा बच्चे बोलो, है ना, तो क्या हो जाएगा ये एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा, एम कट गया बच्चा एल कट गया, तो अल्फा कितना हो गया बोलो, थ्री जी बाई ट्वेल्व, थ्री जी बाई ट्वेल्व, फर्स्ट पार्ट कम्प्लीट, यस सर, है ना बेटा, बी वाले पार्ट में आए, तो सेंटर ऑफ मास जो है बच्चा इसका, वो देखो इस सर्कुलर पाथ में जा रहा होगा ना बेटा बोलो, यस सर, है कि नहीं, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा बेटा वो आर अल्फा होगा, है ना, यस सर, आर कितना, एल बाई टू, अल्फा हो गया थ्री जी बाई टू एल, है ना बेटा, इसका मतलब थ्री जी बाई फोर, है ना बेटा, और रेडियल एक्सिस सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर आर, कितना हो गया बोलो, ओमेगा स्क्वायर आर करो, जी बाई एल, जी बाई एल, एल बाई टू, एल बाई टू, जी बाई टू हो गया बेटा बोलो, है ना, यस सर, इस जो सेंटर ऑफ मास है बेटा हमारा सी, इसका इधर एक्सीलरेशन हो गया बेटा सेंट्रीपिटल, और इधर हो गया टेंजेंशियल बोलो, है ना, तो अगर एक्सीलरेशन वेक्टर में ही कहा जाए हमें तो क्या कह देंगे, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस जी बाई टू वाई, माइनस जी बाई टू वाई कैप प्लस थ्री जी बाई फोर जे कैप होगा बच्चा बोलो, सर माइनस में होगा ना थ्री जी बाई फोर आई जे कैप, नहीं बच्चा ऊपर है ना देखो वाई में, है ना सर, एम जी तो ऊपर है ना, अरे सॉरी, हाँ सही बोला बेटा, बिल्कुल सही बोला, मैंने गलत कर दिया, अल्फा तो नीचे था ना इसका, अल्फा तो नीचे था ना इसका, तो ऐसे होगा बच्चा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सही बोला तुम, ये भी हमारा माइनस होगा, बिल्कुल ठीक। अब देखो बेटा सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा, अब कहता है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कहा गया क्या हमसे, फोर्स, तो देखते बच्चा एक्स डायरेक्शन की अगर बात करें, है ना बेटा, तो एक्स डायरेक्शन में क्या लिखोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, बोलो बेटा, लिखेंगे ना, तो देखो तो बेटा एफ एक्स इक्वल टू मास, सेंटर ऑफ मास का एक्स में कितना एक्सीलरेशन है बोलो, जी बाई टू, माइनस जी बाई टू ना बेटा बोलो, यस सर, है ना ठीक, और अगर वाई में बात करनी हो तो बोलो बोलो एम जी माइनस एफ वाई, है ना, ऊपर हमारा एफ वाई ना है बेटा, एफ वाई माइनस एम जी इक्वल टू एम सी एम इन टू वाई बोलो, यस सर, ठीक है, तो क्या हो गया बच्चा एफ वाई माइनस एम जी एम ए सी एम एम माइनस थ्री जी बाई फोर होगा बेटा, तो एफ वाई इक्वल टू कितना हो गया एम जी बाई फोर होगा बच्चा, ठीक है, तो हिंज का फोर्स क्या हो गया एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस एम जी बाई टू आई कैप प्लस एम जी बाई फोर जे कैप, बोलो बच्चा होगा, आगे बात समझ में, यस सर, लिख लो बच्चा, नोट कर लिया बच्चों, यस सर, कर लो नोट, कर लो सारे बच्चे नोट कर लो सर, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं ना रूट अंडर करके, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं,
हो गया बच्चों? यस सर। हो गया सर। चलो बच्चे इरेज कर रहा हूँ। यस सर। देखते बेटा, क्वेश्चन एक आता है कि मान लो एक डिस्क है बेटा, ऐसे एक डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क, मास m, रेडियस r, ठीक है बेटा। यहां एक रस्सी बांध दिया और ऊपर टांग दिया इसको, ठीक है बेटा। और इसके ये हो गया बच्चा हॉरिजॉन्टल डायमीटर, है ना। अब कहता है कि यहां पे इसका हिंज है, इस वाले पॉइंट पे इसका हिंज है बेटा, यहां से r बाई टू की दूरी पे, समझा। ये दूरी कितनी? r बाई टू, ठीक बच्चा। अब कहता है कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना बेटा। स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, फर्स्ट पार्ट, इन इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम में लटका है तो। और बी पार्ट कहता है बेटा फाइंड हिंज फोर्स, हिंज का फोर्स बताना है इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट ऑफ, समझा बेटा। रस्सी को अगर काट देना, हम रस्सी को अगर काट दें तो काटने के तुरंत बाद हिंज का फोर्स क्या होगा? चलो करो। सर ये पूरा वर्टिकल में है सर? सर पूरा वर्टिकल प्लेन सर, ये डिस्क मतलब इसी सर वर्टिकल रखी हुई है। हाँ बिल्कुल वर्टिकल प्लेन में है। सर ये r by 2 पर रखा हुआ है, r by 2 किनारे से उस हिंज की दूरी लिखी है बच्चा। सर r radius का, अच्छा ठीक है सर।
सर MGY3 और MGY3 दोनों सर बोलो सर MGY3 और MGY3 दोनों MGY3 आ रहा है यस सर फर्स्ट में भी MGY3 सेकंड में MGY3 यस सर यस सर चेक करो क्या बड़ा कुछ तो फर्स्ट में तो MGY3 आएगा ना सर फर्स्ट पार्ट सही है सर दूसरे का सर 2MGY3 आ रहा है सर सॉरी सर उल्टा कर दिया बिल्कुल हमने दूसरे का 2MGY3 यस सर बाकी लोग बताओ सर MGY2 MGY3 दोनों का MGY3 आ रहा है चलो हम भी देखें यस सर देखते बेटा पहले हमारा इक्विलिब्रियम में ना है तो पहले वाले केस के लिए बीडी क्या बनेगा बेटा पहले वाले पार्ट के लिए सेंटर ऑफ मास से यू आएगा बच्चा MG है ना यू आएगा बच्चा टेंशन और ऐसे लगेगा बेटा एफ एक्स और ऐसे लगेगा बेटा एफ वाई बोलो होगा ठीक है तो देख बेटा फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें है ना तो क्या लिखोगे नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो इसका मतलब बेटा एफ इंटू कितना हो गया थ्री आर बाई टू ना बेटा माइनस एम जी इंटू आर बाई टू इक्वल टू जीरो तो F तो हो जाएगा बच्चे MG by 3 फर्स्ट पार्ट हो गया तुम्हारा है ना अब सेकंड पार्ट में जब रस्सी कट गई बेटा तो रस्सी जब कट गई तो अब इसके ऊपर सिर्फ इंजिन है बच्चा बोलो है ना तो कहोगे सेंटर ऑफ मास से फोर्स आएगा बच्चा MG और हिंज का फोर्स आएगा ऐसे FX और ऐसे FY बोल बच्चा होगा ये बात समझा बोलो yes, sir. तो टॉर्क कितना बना बेटा बोलो mg into r by 2 equal to i alpha i कितना रखेंगे बेटा बोलो mr square by 4 mr square by 2 plus m into r by 2 का स्क्वायर बोलो बेटा है ना क्योंकि एक्सिस यहां है ना बच्चा एक्सिस यहां है ना into alpha तो alpha कितना हो गया बोलो alpha हो गया बेटा 3 r by 2 है ना बेटा ये 3 by 4 हो जाएगा ना 2g by 3r इसका मतलब बेटा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा बोलो g by 3 r by 2 अल्फा इट मींस सेंटर ऑफ मास में क्या होगा बोलो बच्चा
जी भाई थ्री एक्सेलरेशन होगा बेटा बोलो यस सर है ना। अब देखते बच्चा हमने रेस्ट रिलीज किया था ना ओमेगा बराबर जीरो था ना बोलो यस yes, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा बोलो है ना बच्चा yes, और वाई में क्या लिखेंगे बेटा हम लोग एम जी माइनस एफ वाई बराबर एम ए सी एम है ना yes, तो एफ वाई कितना आ जाएगा बच्चा टू एम जी बाई थ्री बात समझ गए yes, नोट कर लो sir. बोलो बोलो सर सेकंड वाले पॉइंट की फर्स्ट टाइम इधर से पता सेकंड वाले में कहां दिक्कत है बताओ सर फर्स्ट टाइम फर्स्ट लाइन बेटा इसके बोर्ड टॉक लोगे ना यस सर तो एमजी का टॉक बनेगा क्या यस सर एमजी इनटू आर बाय 2 यस सर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बोर्ड लेंगे एक्सिस के अबाउट यस सर यस सर सेंटर के बोर्ड होता तो क्या होता mr square by 2 yes yahan se shift karenge na bachcha yes sir samajh aaya sir solution dete hain iske liye ha solution likh lo tum रॉड को बेटा हमने रेस से छोड़ दिया है ना बेटा एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डू नॉट स्लाइड है ना बच्चा ठीक है तो कहता है फाइंड नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स निकालना है बच्चा और फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है ना जस्ट आफ्टर रिलीजिंग छोड़ने के तुरंत बाद समझे बच्चा चलो ट्राई करो सर इसमें म्यू क्या दिया हुआ है म्यू तो निकालना है बच्चा म्यू पता नहीं बस रफ सरफेस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड नहीं करेगा बच्चा सर इसमें हिंज लगेगा हिंज नहीं है बच्चा
यस सर आ गए सर. 9/25 mg फ्रिक्शन फोर्स एंड अ नॉर्मल फोर्स 73/100 mg. चलो और देखते हैं बच्चों क्या क्या आता है आंसर. सर इसमें नॉर्मल सही है क्या? नॉर्मल किससे होगा? सरफेस से, नीचे वाले से ना? हाँ नॉर्मल तो कितना आ गया बेटा तो मुझे भी नहीं पता. मैं तो वही मानते तब नीचे से सही ही होगा आई थिंक. पता नहीं नॉर्मल तो मुझे नहीं पता बच्चा. तब मैं सॉल्व करूंगा तभी आंसर आएगा. सर एक सेकंड. सर फ्रैक्शन फोर्स आया 9 mg/25 और सर नॉर्मल आया 27 mg/100. ट्राई कर लिए बच्चों? यस सर. सारे बच्चे ट्राई कर लिए? चलो नहीं नहीं देखो नहीं, बच्चा मैं करता हूँ. चलो मैं ट्राई करता हूँ. देखो बच्चा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए. बोलो क्या क्या फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स वहां से आएगा बच्चा एमजी. यस सर. है ना? और यहाँ से लगेगा बेटा फ्रिक्शन. यस सर. स्टैटिक. यहाँ से लगेगा बच्चा नॉर्मल वर्टिकल. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर. बोल बेटा. अब बिल्कुल दिख रहा है क्वेश्चन में क्या है ना बेटा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट स्लाइड नहीं करेगा. बोलो है ना? इसका मतलब बेटा ये वाला पॉइंट ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो फिक्स पॉइंट हो. बोलो बेटा. यस सर. यस सर. वो हिंज के जैसा बिहेव करेगा ना. इसका मतलब बेटा इसी के अबाउट घूमेगा ना. बोलो. बिल्कुल. यस सर. है कि नहीं? तो क्या कहोगे बताओ? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा ना बेटा. एम जी इंटू बताओ बाई टू कॉस 53 इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा. बोल बेटा कोई दिक्कत? यस सर. नो सर. क्लियर है? तो कितना हो जाएगा बेटा? एम कैंसिल कर लो, एल कैंसिल कर लो, अल्फा कितना हो जाएगा बताओ? 90/10 बाई एल इंटू 1/2 इंटू 3/5 इंटू 3. इसका मतलब 9g/10l है ना बेटा? बोलो. यस सर. क्लियर है बच्चों? तो देखते बेटा इसका सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ में जाएगा ना अभी. यस सर. और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? जीरो. जीरो है ना बेटा? इसका मतलब इसके सेंटर ऑफ मास में एक ही ना होगा बेटा एक्सीलरेशन. बताओ. बोलो. ऐसे ना हो जाएगा बेटा ACM only tangential. बोलो. तो ACM क्या हो गया बताओ? RCM into alpha. तो 9g/20. समझे बच्चा? ठीक है. अब देख बेटा एक्सिलरेशन को देखो और फोर्सेस को देखो है ना. या तो तीनों फोर्स को रिजॉल्व करो या सिर्फ एक्सीलरेशन को रिजॉल्व करो. बोलो बेटा. एक्सीलरेशन. क्या करना चाहोगे? एक्सीलरेशन को रिजॉल्व करते हैं सर. ज्यादा आसान होगा ना ये? यस सर. ऐसे और ऐसे रिजॉल्व कर देंगे है ना बच्चा. तो देखो तो एक्स डायरेक्शन में एक्स में कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स. ओनली Fs इक्वल टू क्या कहेंगे? मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स. बोल बेटा. यस सर. तो बता बेटा सेंटर ऑफ मास का एक्स में कितना आएगा? 53 है ना बेटा.
तो ये 53 होगा तो ये 37 होगा बच्चा, है ना? तो ए सी एम कॉस 37 है ना बेटा, कितना हो जाएगा बोलो ये? 9/25 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5 ना बेटा, यस सर 4/5 है ना, 4/5 मल्टीप्लाई करो इसको तो 36/100 बोलो बेटा, तो 36/100 mg हो जाएगा ना बोलो, कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों? अब देखो y में क्या कहोगे, mg माइनस n बराबर acm y डायरेक्शन है ना बेटा, y में देखो तो acm sin 37 होगा बेटा बोलो, है ना, acm sin कितना हो जाएगा 3/5 तो 27/100 mg, इसके मतलब n इक्वल टू कितना बच्चा 73/100 mg बोलो। आगे बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत बच्चा? सर एक चीज पूछनी थी। पूछो बेटा। सर इसमें हम लोग जो हिंज पॉइंट है सर, मतलब ब्रॉड जो है रिलीज की गई है रेस्ट से, मतलब पहले कहीं पे जैसे जो वो दूसरा एंड पॉइंट है जो कॉन्टेक्ट से नहीं जुड़ा हुआ है, तो पहले वहां पे किसी हिंज से टिकी हुई होगी? नहीं, मैंने मालूम मैंने पकड़ रखा था, अच्छा, फिर मैंने छोड़ दिया उसको। और सर वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वगैरह सब बैलेंस करके पहले नहीं देखी? बताओ, अगर तुम इक्विलिब्रियम कहोगे बेटा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में हो गया है क्या? नहीं है ना, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कहीं नहीं है बच्चा, समझी? यस सर। सर जस्ट आफ्टर मतलब कि वो गिरा नहीं होगा? नहीं, अभी जस्ट वही है, चलना शुरू किया अभी, तभी ओमेगा तो उसमें नहीं आया होगा। अभी ओमेगा नहीं आया होगा, तभी तो कहा ओमेगा जीरो। यस सर। सर फ्रिक्शन फोर्स को कट करके 9/25 कर दीजिए। फ्रिक्शन फोर्स को कट कर दे मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आन के वो 36/100। छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा मैं एग्जाम दे रहा हूं एग्जाम तू देगा, तू सोच फर्स्ट बार में देखा लगा गलती बन गया, कहां गलती हुआ, फिर देखते हैं तो सेम ही है, चीज तो सेम ही है, सही बात है। लिख लिया बच्चों? यस सर। चलो आगे बढ़े बेटा। यस सर। अभी तक हमने जो भी सवाल देखे बेटा, उसमें क्या देखे कि एक्सिस हमारा फिक्स है ना बेटा बोलो? यस सर। है ना, लेकिन बताओ क्या दुनिया के हर मौसम में एक्सिस रेस्ट में रहेगा जरूरी है? नो सर। एक्सिस मूव भी कर सकता है ना? यस सर। कोई देखे हुआ ऐसा बॉडी जिसका एक्सिस मूव करता हुआ हो? सर एक चीज पूछनी है। पूछो बच्चा, बिल्कुल पूछो। सर अगर एक्सिस मूव करेगा तो फिर वहाँ हिंज फोर्स का काम तो नहीं है ना, जो फिक्स होता है उसमें तो? हिंज तो रहेगा नहीं इसमें, सही बात। या हो सकता है जिस हिंज से लगा हो हिंज भी मूव कर रहा हो सकता है ना? अर्थ का एक्सिस भी मूव करता है। जैसे कि मान लो गाड़ी का जो पहिया है ना बेटा, हाँ जी, गाड़ी का पहिया को देखो ध्यान से, उस जहाँ पे हिंज होता है वो साथ साथ जाता है ना गाड़ी के साथ साथ? यस सर। है ना बेटा, ठीक है, तो देखो बच्चा फ्री एक्सिस रोटेशन है ना बेटा, एक्सिस क्या हो इसका, फ्री हो, है ना? तो चल पहले हम लोग बात करते हैं इसकी काइनेमेटिक्स पोर्शन की, है ना, डायनामिक्स की इसके बाद बात करेंगे, काइनेमेटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, है ना बेटा? ध्यान दे, देख बच्चा, अगर कोई भी बॉडी हमारा यूं कहा जाए कि इसका ये सेंटर ऑफ मास है बेटा, है ना, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है? तो देख बेटा, जब एक्सिस फिक्स नहीं होगा ना इसका, तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास में ऐसा मोशन बीसीएम है ना बेटा, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूम रहा है ये ओमेगा, समझ गया बेटा? ठीक है, जो बॉडी का कोई भी एक्सिस फिक्स ना हो, कहीं कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, है ना बेटा, तो हमेशा किसके अबाउट घूमेगा बताओ? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना बेटा? मान लो इसका सेंटर ऑफ मास का ये एक्सीलरेशन है बेटा, और मान लो इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन भी है अल्फा, समझा, है ना? तो देख बेटा, अगर मैं इसके काइनेमेटिक्स पोर्शन की बात करूं, है ना, तो मैंने अज्यूम किया एक पॉइंट
मैंने अज्यूम किया एक पॉइंट है ना बेटा, ठीक है, मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है ना बच्चा, उस वेलोसिटी से थीटा एंगल पे मैंने कोई पॉइंट चूज किया बेटा पी, है ना बेटा, जो कि आर की दूरी पे है, ठीक है। तो चलो इसके मोशन की बात करें, है ना बच्चा। तो ऐसे मोशन को क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। क्या कहोगे बच्चा इसके, बताओ, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, है ना बेटा। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को क्लब कर दिया, ठीक है बच्चा। तो देखो जब मुझे इस पॉइंट के बारे में बात करनी होगी बेटा, तो मैं कैसे करूंगा देखना, मैं कहूंगा ये तो सेंटर ऑफ मास है ना, और सेंटर ऑफ मास से ये दूरी पे एक पॉइंट लिया मैंने पी, जो कि यहां से थीटा एंगल पे है ना बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा पहले मैं क्या सोचूंगा, सिर्फ ट्रांसलेशनल। सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा बच्चा, सिर्फ ट्रांसलेशनल, है ना बेटा। तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है बोलो, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है बेटा, वही सारे पॉइंट की वेलोसिटी होती है, है ना। और जो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन होता है बेटा, वो सारे पॉइंट का होता है एक्सीलरेशन, बोलो, राइट ना, ठीक है बच्चा। तो देखो इसका मतलब ये हुआ बेटा, बेटा अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में हो, देखो डंडे को देखो, ये डंडा ऐसे मूव किया बिना घूमे हुए, तो हर पॉइंट बराबर दूरी गया ना, बोलो, यस सर हर पॉइंट बराबर दूरी जाएगा तो क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। इसका मतलब जो मोशन, जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास जाएगा, वही डिस्टेंस पार्टिकल भी जाएगा बेटा, बोलो, है कि नहीं, है ना बच्चा। जो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का है बेटा, वही एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का भी बॉडी का भी होगा, बोलो बोलो, समझ गए कॉन्सेप्ट। सुनो, ट्रांसलेशन मोशन में सारे पॉइंट का मोशन एक जैसा होता है, ठीक है बच्चा, बात समझा। ट्रांसलेशन मोशन में सारे पॉइंट का मोशन एक जैसा, ठीक है बच्चा, है ना। अब चलो रोटेशनल मोशन की बात करें, तो बोलो बेटा रोटेशनल मोशन कैसे बात करें, तो बॉडी भाग रहा है, ये तो बॉडी भाग रहा है ना, ठीक है। ऐसा करते हैं चलो, किसके बोर्ड घूम रहा था बोलो, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पे बोर्ड है ना बेटा। तो ऐसा करते हैं सेंटर ऑफ मास जाके बैठ जाते हैं, सेंटर ऑफ मास पे आके बैठ जाओ, तो बोलो क्या VCM ACM दिखेगा, नहीं दिखेगा ना बेटा, तुम्हें क्या दिखेगा बताओ, सिर्फ ओमेगा और अल्फा, ये दिखेगा ना। तुम्हें लगेगा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सुन ध्यान से, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हर पॉइंट सर्कुलर पाथ में जा रहा है, yes, sir. है ना बेटा। तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये पॉइंट सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इस रेडियस के परपेंडिकुलर ऐसे होनी चाहिए आर ओमेगा, बोलो बेटा, होना चाहिए ना, बोलो, बात समझे। इसका मतलब इस पॉइंट की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी बेटा, वो क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट, बोलो, yes, sir. उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, है ना बच्चा, ठीक है। अच्छा अब देखो एक्सीलरेशन की बात करो, तो कहोगे अगर बॉडी हमारा किसी भी पॉइंट के अबाउट सर्कुलर पाथ में जा रहा है बेटा, तो इसके एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल, है ना बेटा। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या हुआ, तो कहोगे इस डायरेक्शन कितना, ओमेगा स्क्वायर आर, बोलो बेटा, है ना। और टेंजेंशियल कहना होगा तो ऐसे कहोगे बेटा, बोलो, आर अल्फा, कितना कहोगे बच्चा, आर अल्फा, समझ में आई बेटा, है ना। इसका मतलब अगर तुम्हें बोलना हो कि इस पार्टिकल पी की वेलोसिटी कितनी है, अगर वेलोसिटी ऑफ पी बोलना हो, है ना, ठीक है, तो क्या बोलोगे, कहोगे वेलोसिटी ऑफ पी का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशनल प्लस वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशनल, बोलो बेटा, यस सर, है ना। तो ट्रांसलेशनल की वजह से क्या वेलोसिटी, बीसीएम वेक्टर, है ना बेटा, और रोटेशनल की वजह से क्या वेलोसिटी, आर ओमेगा का वेक्टर,
इन दोनों का वेक्टर एडिशन। क्लियर? समझा बेटा? और अगर मैं कहूं बच्चा मुझे पी का चाहिए एक्सेलरेशन, पी का मुझे क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ पी बराबर, ध्यान दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशनल मोशन। है ना बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से क्या एक्सेलरेशन? एसीएम। है ना बेटा? और रोटेशनल मोशन की वजह से क्या एक्सेलरेशन? तो कहोगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बोलो। आर अल्फा वेक्टर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। समझे बेटा? तो वेलोसिटी के दो हिस्से और एक्सेलरेशन के तीन हिस्से। है ना बच्चा? क्लियर है? एकदम स्थिर दिमाग करके शांति से लिखो, हर पॉइंट को समझ समझ के। रोटेशनल मोशन में सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये होता है बच्चा, है ना? सर, बोलो बोलो। जब हम फिक्स्ड एक्सिस पे सोच रहे थे तो सर जो सेंटर ऑफ मास था सर उसी के अबाउट लिख रहे थे, मतलब इस यहाँ पे नहीं मतलब... जब फिक्स्ड एक्सिस में बात सोचे बेटा हम, इसका मतलब जो एक्सिस क्वेश्चन में दिया हुआ है वही एक्सिस है। हाँ सर। है ना? फ्री एक्सिस मतलब क्या होगा? एक्सिस क्वेश्चन में दिया होगा नहीं, तो हम कहाँ मानेंगे एक्सिस? सेंटर ऑफ मास मानेंगे। हेलो सर। बोलो बेटा। सर इसमें जो हमने सर्कुलर मोशन की बात की है, तो ये जो v इक्वल टू r ओमेगा वाली वेलोसिटी है सर, ये इसका डायरेक्शन हमने कैसे डिफाइन किया है सर, ये एक बार और बता दीजिए। ट्रांजिशनल वाला तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो सर्कुलर मोशन वाला है, सेंटर ऑफ मास पे एक फिंगर रखो। ठीक है सर। दूसरा फिंगर पॉइंट p पे रखो। अच्छा ठीक है, अब बताओ p वाला पॉइंट को दूसरे फिंगर के अबाउट घुमाओ सर्कुलर पाथ में। हाँ सर ठीक है। कितना वेलोसिटी आ रही है उसकी? r ओमेगा। अच्छा ठीक है, आउटवर्ड्स आएगी। ठीक है, उस r के परपेंडिकुलर है ना? जी सर। समझ गए? ठीक है सर, v इक्वल टू, हाँ सर आ गया। नोट कर लो बच्चा। अब होमवर्क डिस्कस किया जाए एक क्वेश्चन के बाद। नहीं, क्वेश्चन कल करेंगे इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कल किया जाएगा। अच्छा, होमवर्क किया जाए डिस्कस। डाउट्स का क्या स्टेटस है? डाउट्स ज्यादा है या कम है? दो गो मात्र सर, दो गो सर, सेक्शन सी का। चलो कर लेते हैं, टाइम भी कहीं बचा है, आज तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया हम लोग का यार, लगता है 15 मिनट से ऊपर बर्बाद हो गया हम लोग का आज। बिल्कुल सर, 15 मिनट हो गए थे। और बताओ किन के लिए बैठ कर, किन के लिए करना पड़ा हमें? सोचो, उन बच्चों के लिए जो क्लास नहीं किए है ना, सोचो। जो बच्चे मान लो क्लास नहीं किए होंगे, है ना बेटा, अपलोडिंग तो उनके लिए होता है ना, सोचो। बहुत सारे टेस्ट की तैयारी भी कर रहे होंगे ना सर? बहुत सारे टेस्ट की तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन ये टेस्ट का मतलब ये थोड़ी है बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा आदमी। सर टेस्ट कब है सर? संडे। संडे इसी संडे को है? हाँ भैया हाँ, आप कहाँ हो? आपके चरण कहाँ है? सर सर कौन कौन से मजाक करने? अगर सर इस बार उपेंद्र सर ने मैसेज नहीं भेजा हमें तो। यस सर, मजाक करने के मूड में अगर हो तो अच्छा मजाक नहीं था। नहीं नहीं सर, नहीं है।
एसएटी का मतलब ही होता है बच्चा फुल सिलेबस, एपीटी जो होता है ना एपीटी, सिर्फ एपीटी होता है पार्ट टेस्ट, उसके लिए सिलेबस बताना जरूरी है, लेकिन एसीटी या एमसीटी के लिए सिलेबस की जरूरत नहीं। लेकिन भाई समझ जाना है फुल सिलेबस है, डेट तो बतानी चाहिए थी, डेट तो बतानी चाहिए थी, उन्होंने डेट तो बताई, तो बात सही है, डेट तो बतानी चाहिए बिल्कुल, डेट अगर नहीं बताया तो गलती करी भाई उन्होंने। निकाला जाए आरबीडी का सीट, आरबीडी आरबीडी कहाँ गया, पार्ट टू में B11 बता देना सर, पहले पार्ट वन से स्टार्ट किया ना बेटा। पार्ट वन किए हैं क्या डिस्कस हम लोग? पहले पार्ट नहीं अभी तक नहीं, नहीं सर अभी नहीं, पार्ट वन अभी कुछ नहीं किया था। नो सर। ओहो इस दूसरे बैच, दूसरे बैच का लिखा हुआ है, दूसरे बैच का लिखा हुआ है। आज स्टार्ट ही करना है हम लोग को इसका डिस्कशन। बोलो बेटा सेक्शन ए में कोई डाउट? नो सर, नहीं है कोई डाउट सेक्शन ए में। सेक्शन बी में पार्ट वन में? नो सर। नो सर, सी में, सी वन, सी वन है सर, सी में डाउट है, सी वन, सी वन डाउट है। ओके देखा जाए बच्चा, देखो बेटा सी वन में क्वेश्चन कहा था हमसे कि हमने एक फोर्स लगाया है बेटा, एक फोर्स लगाया हमने एफ वन और एक फोर्स लगाया हमने एफ टू, और एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट पॉइंट ये पॉइंट ये, हमें टॉर्क निकालना है कि इसके अबाउट, इसके अबाउट। तो देखो बेटा जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क चाहिए वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -1 0 1, है ना बेटा। और जो पहला हमारा फोर्स लग रहा है ये कहाँ पे लग रहा है देखो, एट कोऑर्डिनेट 1 1 0, है ना बेटा, ऐसे लग रहा है। मान लेते हैं फोर्स एफ वन वेक्टर है ना बेटा, तो बोलो तो आर वन वेक्टर क्या हो गया बेटा, बोलो बोलो, 1 -1 2i कैप, 1 -0 प्लस जे कैप प्लस 0 -1 -k कैप, बोलो बेटा, है ना। यस सर। ठीक, तो टू वन वेक्टर क्या हो गया बच्चा, आर वन वेक्टर क्रॉस एफ वन वेक्टर, है ना बेटा। Yes, तो R1 क्रॉस F1 निकाला जाए क्रॉस प्रोडक्ट I J K, है ना बेटा। Yes, I में हो गया क्या हमारा, I में हो गया बेटा R में 2 1 -1, और F में क्या हो गया, F में हो गया 2 -5 और -6, है ना बेटा। ठीक है, तो I कैप के साथ क्या लगेगा बताओ, -6 और -5, तो -11 हो गया ना रे, बोलो -6 और -j के साथ देखो तो -12 +2, तो ये तो -12 +2 -10 हो गया, है ना बेटा। अब k में आया जाए तो -10 -2, ये तो -12 हो गया, बोलो। ठीक है, है ना बच्चा। अब उसी तरह से एक और फोर्स है बेटा, इसमें एक और फोर्स लगाया है इस पॉइंट पे, कहाँ लगाया है फोर्स देखो, 0, 1, 2, है ना बच्चा, और इस पे जो हमारा फोर्स लगा है हमारा F2, तो tau 2 वेक्टर क्या हो गया बेटा, 0, 1, 2, पहले तो R निकाला जाए ना, पहले तो R2 निकाला जाए बेटा, तो R2 वेक्टर क्या हो गया बताओ, 0 -1 आई कैप प्लस 1 -0 जे कैप 2 -1 के कैप, है ना बेटा। और फोर्स पता ही हम लोग को है एफ टू, तो हमारा टॉ टू वेक्टर क्या हो गया, अब कर लोगे आगे, चलो आगे पूछो। सी थ्री सर, पार्ट वन में पहले सी थ्री देख लिया जाए, पार्ट वन में पहले सी थ्री देख लिया जाए। देखते बच्चा सवाल में क्या कहा है, कहा है कि एक पार्टिकल हैविंग मास m इज प्रोजेक्टेड, पार्टिकल को फेंक दिया
विद ए स्पीड v एट एन एंगल अल्फा, v पे फेंको, अल्फा एंगल पे फेंको, है ना। फाइंड द टॉर्क ऑफ द वेट ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट ही निकालना है हमको टॉर्क। जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे हो फर्स्ट पार्ट, है ना बेटा, और जब पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंच जाए वापस तो सेकेंड पार्ट। तो सिंपल तो है बेटा, एम जी रहेगा यहाँ ऐसे, तो बोलो टॉर्क कितना हो जाएगा ए पार्ट के लिए, एम जी इंटू रेंज का हाफ ना बेटा बोलो, है ना। और बी पार्ट में जब पार्टिकल यहाँ होगा बेटा तो ये एम जी लगेगा ऐसे, तो इसका टॉर्क हो जाएगा बेटा एम जी इंटू आर। सिंपल बच्चा, ठीक है। यस सर। और पूछो। नो डाउट सर, सी में कोई डाउट नहीं, पार्ट टू में आया जाए। पार्ट टू ये बहुत बड़ी सीट है यार। पार्ट टू में सेक्शन ए आओ, कोई डाउट नहीं। सेक्शन बी? नो सर, बी भी कोई डाउट नहीं। बी फाइव, बी इलेवन है। बी फाइव और बी इलेवन, बी फाइव पहले बी फाइव दिखा जाए बच्चा। देखो बेटा बी फाइव में, बी फाइव में कहता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एन एलिप्टिकल डिस्क, है ना बेटा, ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मास एम, सेमी मेजर एक्सिस आर एंड सेमी माइनर एक्सिस डी। देख तो बच्चा एक ऐसा डिस्क लिया जाए, है ना बेटा, डिस्क नहीं क्या एलिप्टिकल, ऐसा एलिप्टिकल डिस्क ऐसा लिया जाए बेटा जिसका सेमी मेजर एक्सिस ये हो गया हमारा आर, है ना, और ये हो गया बच्चा डी, ठीक है। तो कहता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया बताओ इस वाले पॉइंट के अबाउट, ठीक है बच्चा समझे। तो बोलते बेटा अगर मैं कहूं कि मैं डिस्क इतना बड़ा लूंगा नहीं, मैं डिस्क सिर्फ इतना बड़ा लूंगा, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्सिया इससे कम आएगा या ज्यादा आएगा। इस ग्रीन डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्सिया बताओ कितना होगा बच्चा, एम डी स्क्वायर बाई टू ना रे, बोलो। एलिप्स तो इससे बड़ा है ना, छोटा है, एलिप्स तो इससे बड़ा है ना, है कि नहीं। अच्छा अब बताओ अगर मैं इतना बड़ा डिस्क लूं तो सर उससे छोटा आएगा, है ना, इसका मतलब छोटा होना चाहिए किससे, एम आर स्क्वायर बाई टू से। तो बोला कौन सा ऑप्शन होगा, ये गलत, मास भी तो बढ़ रहा है उसका, ये गलत। हाँ बोलो बोलो, नहीं मास सेम लूं तब भी बोल रहा हूँ मैं, अगर सेम मास कर लें तब भी। अच्छा दूर हो गया ना एक्सिस से, बताओ। B11 से पहले पूछना है किसी को, सर एट पूछना है, एट कहाँ गया, ये रहा एट सर, किसी ने बी एट और नाइन लिखा है चैट में। अच्छा बी एट बी नाइन लिखा है, हाँ बी एट और बी नाइन चैट में। सर ये तो कोई आपके नाम से है, ओपी सिंह सर आप ही के नाम से रिनेम कर लिया, ये क्या मतलब है, मैं खुद डाउट पूछ रहा हूँ अपने आप से। पहले मैं ही सोच रहा था यार ऐसे किसी को बोलना नहीं, लोग पागल समझेगा मुझे। आदमी खुद ही डाउट पूछ रहा है अपने आप से ही, और उसके बाद देखो टू एवरीवन बता रहा है सबको। सर हेलो, सर पहले हेलो आई थी और कलयुग। देख बच्चा कहता थ्री यूनिफॉर्म रॉड है, 4L 4M, है ना बच्चा। तो बता तो अगर किसी में एक रॉड की बात करूं जिसको मैं रेड कर दिया, बोल तो बच्चा इस रॉड का कितना मास होगा, एम ना बच्चा बोलो, एम होगा ना। यस सर। तो अगर मैं सिर्फ इसी की बात करूं, है ना बेटा, तो इसका आई कितना होगा, देख तो बच्चा इसके सेंटर के अबाउट क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12, है ना, फिर प्लस शिफ्ट करना पड़ेगा एल बाई 2, एम एल बाई 2 का स्क्वायर बोलो, ये तो हो गया बेटा एम एल स्क्वायर बाई 3,
ये हो गया I1, बोलो है ना बच्चा। अब चलो अब मैं निकालता हूँ ग्रीन वाले रॉड का। देखो बच्चा ग्रीन रॉड का मास m हो गया ना, बोलो। तो देखो बेटा ग्रीन रॉड जो हमारा है उसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस है बच्चा, है ना, ये कितनी दूरी पे है देखो, तो ये हो जाएगा एल रूट फाइव बाई टू होगा, बोलो होगा ना। तो इसका आई टू लिख बच्चा कितना, तो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम इंटू रूट फाइव एल बाई टू का स्क्वायर होगा बेटा, है ना। तो अब पूरे सिस्टम का क्या हो गया सोचो, तो कहोगे देखो आई वन के जैसे दो रॉड है ना बेटा और I2 के जैसे भी दो रॉड हैं, समझ गया, समझ गए? Yes sir। अब देखो B9 में, मैं बिना क्यों बताऊंगा, एकदम नहीं बताऊंगा, इसको बताने का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। सर B8 जरा खोल दीजिए एक बार, B8। B8 देखो। B10। बताता हूँ। Yes sir। ले लिया फोटो? Yes sir। चलो अब आ जाओ बच्चा बी टेन में, देखा जाए बच्चा बी टेन हमारा बी टेन क्वेश्चन क्या कहता है। पहले जो नीचे बहुत कुछ कहा गया है उसको हटा दिया जाए, देखो बच्चा इसमें कहा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालो, है ना बेटा, इसमें कहा गया है क्या हो गया, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालो, किसका निकालो, एक एक यूनिफॉर्म हॉलो क्यूबिकल बॉक्स को निकालो। चलो बच्चा बनाया जाए क्यूबिकल बॉक्स, देखते बच्चा ये बना मैंने क्यूब का एक फेस, ये बना बच्चा दूसरा फेस। अब इन दोनों फेस की मदद से बाकी सारे फेस बन जाएंगे, ठीक है बच्चा, देखते रहे। अब कहता है बच्चा देखो एक्सिस में अपोजिट फेसेस, एक ऊपर का फेस लो बच्चा, देखो तो ऊपर का फेस है ना और एक नीचे का फेस, ठीक है, इन दोनों फेस के सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस, ये रहा एक्सिस, ये रहा पॉइंट, ये बना मेरा एक्सिस, देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। अब देख बेटा ये घूम रहा है इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है ना, तो देखते बेटा ये ऊपर नीचे वाला तो इसको आप लेटना है बताओ, है ना। तो मैंने मान लिया फर्स्ट बॉडी है ना बेटा, तो I1 तो क्या होता है बेटा एम ए स्क्वायर बाई सिक्स, याद आया प्लेन से परपेंडिकुलर है ना, लेकिन थोड़ा गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है कि मास तो एम नहीं है बेटा, इसका मास जो है वो क्या है m by 6 ने, बोलो। Yes sir। एक फेस का मास क्या होगा m by 6, m by 6 ने बच्चा, तो ये हो गया m a square by 36, निपट गया ये, जो I1 होगा बेटा वही I2 होगा, बोलो। Yes sir। है ना। अब चलो देखो बेटा मैं अब कर रहा हूँ ग्रीन कलर का एक फेस, देखो तो ग्रीन कलर का फेस, ऐसे ऐसे कितने फेस हैं बताओ, ऐसे चार फेस है ना बेटा, बोलो है ना, ये चलो दो नंबर फेस बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। तो देखते बेटा अगर मैं एक्सिस ऐसे लेता तो क्या हुआ, साइड के बाइसेक्टर, बोलो है ना। तो ये आई टू हमारा क्या होना चाहिए देखना बच्चा, अगर मैं ये वाला एक्सिस लेता तो ये होना चाहिए था एम ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व है ना बेटा, फिर प्लस, अब देखो यहाँ दूरी कितनी है बच्चा, ये a by 2 प्लस m a by 2 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया m a स्क्वायर by 3 है ना बच्चा, लेकिन m फिर हमारा कितना है m by 6, समझ गए ना रे, है ना। तो पूरे सिस्टम का क्या लिखेगा बच्चा बोलो, तो I1 के जैसे दो फेस और I2 के जैसे चार फेस, चार फेस, समझ गए। Yes। एक सेकंड रुकिएगा सर, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, हो गया। अब चलो आया जाए क्वेश्चन नंबर 11 पे। अरे ये तो बहुत गंदा सवाल है यार, ऑलरेडी बना
चलो देखो बच्चा, इस सवाल में कहा गया एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है, उसकी लंबाई कितनी है, देखो 4a प्लस 2πa है ना बेटा, और मास 4m प्लस 2πm है ना, ठीक है। इज बेंट एंड फैब्रिकेटेड टू फॉर्म ए स्क्वायर सस्पेंडेड सराउंडेड बाय सेमी सर्कल्स एज शोन इन द फिगर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्रेम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स परपेंडिकुलर टू प्लेन, दिख रहा है बेटा, गौर करना रे। देखो बच्चा, इस पूरे फ्रेम की अगर लंबाई तुमसे पूछूं, है ना बेटा, ठीक है, तो देखो ये साइड की लंबाई अगर हमारी a है बेटा, तो अंदर में स्क्वायर हो गया साइड a का, बताओ। यस सर। उसकी लंबाई होगी बच्चा 4a, है ना। अब सोच के देखो बेटा, ये जो साइड हो गया वो सेमी सर्कल का डायमीटर हो गया। यस बोलो, है कि नहीं। तो सेमी सर्कल का डायमीटर जो है बेटा, है ना, उसका रेडियस क्या हो जाएगा, a by 2। लंबाई कितनी हो जाएगी, एक सेमी सर्कल की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, पाई a by 2 हो जाएगी ना, बोलो। ऐसे ऐसे चार थे, इसका मतलब इसके लिए हो गया सेमी सेमी रिंग का, ये बताओ 2πa। इसका मतलब ये मास है सारे रॉड का और ये मास है सारे सेमी रिंग का, है ना, बोलो। तो चलो पहले मैं एक रॉड की बात करता हूँ, देखो तो ये रॉड मैंने किया अभी ब्लू कलर का, देखा बेटा। यस सर। इसकी बात मैं करता हूँ आई वन, ध्यान देना बच्चा, इसका अगर मैं सेंटर पे लेता एक्सिस तो ये होता एम ए स्क्वायर बाई 12, लेकिन एक्सिस तो यहाँ से एल बाई 2 की दूरी पे ना बेटा, एम ए बाई 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया एम ए स्क्वायर बाई 3, इसकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब चलो बात करता हूं मैं सेमी रिंग का, देखो बेटा सेमी रिंग का, ये है बच्चा सेमी रिंग, बोलो, है ना बेटा। इसका अगर मैं यहाँ रॉड के मिड पॉइंट पे लेता मैं एक्सेस, है ना, ठीक। तो पहले तो बताओ सेमी रिंग का मास कितना है, मास ऑफ सेमी रिंग कितना है बेटा, तो 2πm तो सबका मास है, तो एक का मास हो गया पाई एम बाई 4, पाई एम बाई 2, एक का मास हो गया ना बेटा। जी सर। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे लिया होता यहाँ एक्सिस, सेंटर नहीं रॉड के सेंटर पे, तो रिंग का सेंटर होता वो, तो रिंग के सेंटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, सब लोग ध्यान से देखना बेटा, दोबारा नहीं पूछना। रिंग के सेंटर के बोर्ड ले तो क्या होता, पाई एम बाई 2, तो इसका मास हो जाता बेटा, है ना, और ए बाई 2 इसका होता रेडियस, बोलो, है ना, ठीक। लेकिन बताओ इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ थोड़ी है, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ ना है बेटा, बताओ, सेंटर ऑफ मास तो ऊपर होता है ना, बोलो। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास से दूर जाने के लिए प्लस करते हुए एम एक्स स्क्वायर, तो सेंटर ऑफ मास के पास जाने के लिए क्या करोगे, माइनस एम एक्स बेटा, बोलो। तो माइनस गए एम, एम कितना बेटा, पाई एम बाई 2, ये मास इनटू एक्स स्क्वायर, एक्स होता है बेटा 2r बाई पाई, तो 2r बाई पाई का स्क्वायर, बोलो बेटा। अब ये पूरा किसका निकल गया, सेंटर ऑफ मास का निकल गया ना, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट थोड़ी निकालना है, निकालना तो हमको ये था इसके अबाउट जो अंदर में क्रॉस किया हुआ है, तो फिर करना पड़ेगा प्लस। अब सेंटर ऑफ मास से यहाँ की दूरी तो कहेंगे पाई एम बाई 2 तो हो गया मास बेटा, इनटू एक्स स्क्वायर, कितना डिस्टेंस ये, तो देखो ए बाई 2 तो हो गया रॉड के सेंटर तक, है ना, फिर प्लस ऊपर से 2r बाई पाई, तो 2r बाई पाई का स्क्वायर, बोलो बेटा। यस सर। समझ गए बेटा, इसका मतलब पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये आई वन का 4 गुना होगा और आई 2 का 4 गुना होगा, समझ गए। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लोगे, अब ओलंपियाड का क्वेश्चन है तो ऐसे ही ना होगा बेटा।
ठीक है सर आगे बढ़ो। सी में तो नहीं है, सी में कोई डाउट नहीं है, नहीं। चलो फिर एंजॉय करो और आगे बढ़ो। और आगे का होमवर्क सेक्शन डी कर लो बच्चा, दोनों पार्ट में, ठीक है। एक्सरसाइज वन के दोनों पार्ट में सेक्शन डी कर लो और एक्सरसाइज टू के पार्ट वन में एक से लेकर के पांच सवाल कर लो, ठीक है ना। और फिर टाइम मिले तो रिवाइज करो। बाय बच्चा। बाय सर। बाय सर।